हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्चुअली मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे डालूं, क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए मुझे बाहर जाना था और बाहर मैं गई थी पर मुझे टाइम नहीं लगा, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई। सो स्किन केयर पे वीडियो बना रही हूँ। मैंने इंस्टा पे स्टोरी शेयर की थी, उस पर एक स्किन केयर और एक ब्लॉग्स के लिए आया, तो स्किन केयर कर लेते हैं। बे तू हिल क्यों गया, रुक जा। सो तो हम स्किन केयर करेंगे आज, बट मैं सीरियसली बता रही हूँ, अगर मेरे फ्रेंड्स ये देख रहे हैं ना, वो मेरा इतना मजाक उड़ाने वाले हैं, इतना मजाक उड़ाने वाले हैं कि मुझे भी नहीं पता, वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। बट हमको क्या, हमको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। साड़ी जिंदगी है ठा बल्ली है निसानू एरे गेरे दीनी पर वाह बल्ली है। ये जो मैंने गाना गाया ना, ये तो नेक्स्ट लेवल है। अच्छा ठीक है, तो हम अपने स्किन केयर स्टार्ट करते हैं। स्किन केयर स्टार्ट करने से पहले हमको अपने बालों को अच्छे से बांधना है, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारी ये जुल्फी जो है वो ऑयली हो जाती है। हमको वो नहीं, हमने अपने बाल बांध लिए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने लेपा पोथी की है ना, इसको मिटाना है। तो मैं ये जॉनसन केबी के वेट टाइप्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब तुम्हारे फेस पे कोई भी चीज़ यूज़ नहीं, मतलब जब तुम्हारे फेस पे कोई भी चीज़ सूट नहीं कर रही है, तो आप लोग वो चीज़ें ट्राई करो जो आप, जो बच्चों के लिए ट्राई होती हैं, जो बच्चों की स्किन पे यूज़ होती हैं, क्योंकि बच्चों से सेंसिटिव स्किन किसी की नहीं होती। तो अगर बच्चों की स्किन पे वो चीज़ें सूट कर रही हैं, तो आपकी स्किन पे ऑब्वियसली सूट करेंगी। तो ये वाइप्स, वेट वाइप्स, तो ट्राई कर। ओ, तो हम इससे अपने मेकअप को रिमूव करते हैं, जेंटली अपने फेस पे लगाओ। इतना ज़्यादा मैंने कुछ मेकअप किया नहीं सी, बट क्या होता है कि हमारी स्किन पे, हम लोग बाहर जाते हैं, डस्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतना कुछ आप लोगों को मेकअप मेरे फेस पे दिखेगा नहीं, मैंने मेरे पूरे फेस का मेकअप ये है, ये मेरे पूरे फेस का मेकअप है, मैंने कुछ ज़्यादा मेकअप ट्राई नहीं किया। तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा क्लेंजर। हाँ, तो द टिप इज, इसमें मैं आपको एक टिप बता दूँगी, वो मैं लास्ट में बताऊँगी। देन सेटाफिल का जेंटल स्किन क्लेंजर, ड्राई टू नॉर्मल स्किन एंड सेंसिटिव स्किन। ये हर स्किन पर जाता है, एवरी स्किन, ये हर स्किन पे जाएगा। कैसी भी स्किन होगी आपकी, नॉर्मल होगी, ड्राई होगी, कॉम्बिनेशन, ऑयली, सेंसिटिव, ये हर स्किन पे ये क्लेंजर आपका जाएगा। दिस सेटअप पर जेंटल क्लेंजर, तो इसको हम लेंगे जितना भी आपको ज़रूरत है। अच्छे से क्लेंज कर लो फेस को। देखो अभी तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ रात में, ठीक है, ये नाइट स्किन केयर। किसी को डे का स्किन केयर चाहिए होगा तो उस पर भी बन जाएगी वीडियो, ये नाइट स्किन केयर है मेरा। डोंट फॉरगेट योर नेक, कभी भी अपनी गर्दन को ना भूले, क्योंकि क्या होता है जब भी हम लोगों की एज बढ़ती है, जैसे जैसे हमेशा आपको एजिंग साइन कहाँ से दिखेगा, यहाँ से सबसे पहले आपकी स्किन जो है वो इकट्ठी होना शुरू होती है। तो अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, कुछ भी सीरम भी लगाते हैं, एलोवेरा जेल लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, आप अपनी गर्दन को ना भूलें, अपनी गर्दन को हमेशा हर एक प्रोडक्ट अपनी गर्दन पर यूज़ करें। जैसे मुझे लगा तो पानी भी यूज़ कर सकते हो, पानी से स्प्रे कर लो। नेक्स्ट हम सीरम लगाते हैं अपने फेस पे। ये है मेरे पास रियो हर्ब्स का एंटी एजिंग एडवांस रेटिनॉइल सीरम। सी जब आपकी एज 25 या 24 हो जाती है, तो यू हैव टू यूज़ रेटिनॉइल ए, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी एजिंग, मतलब हमारी फाइन लाइन्स इतनी जल्दी नहीं आती। ठीक है, ये
ये मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। इसमें है रेटिनॉइड ए और ये एंटी एजिंग सीरम है। इससे क्या होता है, हमारी जो फाइन लाइंस आ जाती है ना आईज में और ये माउथ के अराउंड, तो ये लोग इसको आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि क्या होता है ये प्रोडक्ट्स की वजह से, मेकअप की वजह से, मेरा तो काम ही मेकअप के साथ है, तो मेकअप की वजह से, प्रोडक्ट्स की वजह से, धूप की वजह से, ये जो मौसम हुआ पड़ा आजकल, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे फेस पे एजिंग साइंस जल्दी आ जाते हैं। नेक्स्ट अब हम यूज़ करेंगे ये इनको ज़रूरी मेरी वीडियो के बीच में बोलना, इनको बोलने दो यार, इन पे नहीं इतना वो फोकस करना, मेरे पे बोलो तुम लोग फोकस, ठीक है। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे लॉरियल का रिवाइड लिफ्ट हाइलोरोनिक एसिड, इसको हम ले लेंगे। और ये हर एक स्किन टाइप को यूज़ करना चाहिए, कोई भी स्किन टाइप हो यूज़ करो इसको। हर प्रोडक्ट आधे आधे मिनट बाद लगाना, एटलीस्ट वो सेट हो जाए। वीडियो में तो लग रहा है ना, क्योंकि मैं वीडियो एडिट करके डाल रही हूँ, बट आपको जब भी कोई प्रोडक्ट लगाना, सीरम लगाना, मॉइस्चराइजर लगाना, कुछ भी लगाना, आपको हमेशा उसमें 30 सेकंड का टाइम देना पड़ेगा कि एटलीस्ट वो प्रोडक्ट आप में आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और अच्छे से सेटल हो जाए, ठीक है। नाउ द लास्ट सीरम, ये स्विस ब्यूटी का विटामिन सी सीरम है। यार ये सब खत्म क्यों हो रहे हैं? मुझे ये सीरम अच्छा लगा, ज्यादा प्रोडक्ट ना लगाएं, जितना प्रोडक्ट की आपको जरूरत है ना अपने फेस पे, उतना ही प्रोडक्ट लगाएं। ऐसा ना हो कि वीडियो के चक्कर में, देखो मुझे प्रोडक्ट वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे महंगे होते हैं, तो हम क्यों वेस्ट करें उनको। और द थिंग इज, देखो आप मेरे फेस पे देख रही होंगी ब्रेकआउट हुआ हुआ है कितना सारा, है ना, ये मेरे को मेकअप से होता है, क्योंकि जब मैं शूट्स वगैरह करती हूँ तो उसमें मेकअप होता है, मेकअप की वजह से मुझे ब्रेकआउट हो जाता। उसके लिए कोई भी रीज़न हो सकता है, आपके आपको स्वेटिंग ज़्यादा आती है, आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, बहुत सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन ब्रेकआउट होता है अगर आप सेम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपने प्रोडक्ट चेंज करा है तो आपके फेस पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो इट्स कि ये प्रोडक्ट का फॉल्ट है। अगर आपके सेम प्रोडक्ट्स हैं फिर भी आपकी स्किन पे ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे मुझे हो रहा है, बिकॉज ऑफ मेकअप, बिकॉज ऑफ हॉर्मोनल चेंजेस, बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस, आपका स्लीप साइकिल जो मेरा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसकी वजह से हमारी स्किन में प्रॉब्लम्स आती हैं। और पानी, हम लोग पानी नहीं पीते, मैं खुद पानी नहीं पीती, पानी पीना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, पानी हमारी स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम कितना भी कुछ लगा लेंगे फेस पे, ग्लो रहेगा थोड़ी टाइम के लिए, पर जो हम इंटरनली अगर हम हाइड्रेटेड होंगे ना, वो हमारे फेस पे दिखेगा। हमारे उसको हाथ पे ले लेंगे, जेल है, इट्स अ जेल, ये मेरा नाइट स्किन केयर है, क्योंकि रात को अगर हम अपने फेस पे लगा, ये मैं मॉलिस नेचुरा का लिप बाम है, इसको मैं यूज कर रही हूँ। मेरी लिप्स सीरियसली डार्क थे पहले, इसको यूज करने के बाद मेरे लिप्स लाइट हुए हैं, और ये थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पिंकड़ है। वो शायद मुझे पता नहीं है, बट इट्स वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, एंड दैट्स इट। अब बालों को खोल लिया जाए, ठीक है। तो आज का हमारा स्किन केयर इज डन, इट्स अ नाइट स्किन केयर, डे में हमको इतना कुछ यूज़ नहीं करना है। इफ़ यू वांट डे स्किन केयर रूटीन, मुझे बताओ कमेंट्स में, मैं बिल्कुल यूज़ करना। ओके, द लास्ट टिप ये है कि जब भी आपको अपना फेस क्लेंजर यूज़ करना है, इसको हमेशा रात को यूज़ करना है,
दिन को यूज नहीं करना है। होता है कि जब हम सुबह उठते हैं ना, हमारे फेस पे नेचुरल ऑयल्स होते हैं यहाँ यहाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह मूड होते हैं, लगे हैं मूड हो रहे हैं सारे अपना अपना, तो झाग किसी के साथ भी आप इसके साथ यूज करो फेस वॉश, या फेस वॉश मतलब आप वो वाला फेस वॉश लगाओ या क्लेंजर लगाओ, आपके ऑयल्स निकल जाएंगे। आपको सिंपल पानी लेना है, एक बार अपने मुंह पे मारा, वही आपको थोड़ा सा मसाज करना 2-3 मिनट, दैट्स इट। उसके ऊपर कोई पानी नहीं मारना क्योंकि वो ऑयल्स का मसाज है ना, तो वही रखना है आपको। हमेशा रात को इस क्लेंजर के साथ फेस वॉश करके सोना है, सुबह सिंपल पानी से मुंह धोना है, आपको अपने आप अपने फेस पे चेंजेस दिख जाएंगे, ग्लो भी दिख जाएगा। ओके, ये था मेरा टिप, आप इस टिप को यूज करके देखो, यू विल डेफिनेटली गेट चेंजेस सीरियसली। ओके, सो मुझे नेक्स्ट वीडियो बता देना। सो अभी के लिए इतना ही, वीडियो वैसे ही बहुत लंबा जा चुका है, इससे लंबा मैं वीडियो बना नहीं पाऊंगी और इससे लंबा तुम वीडियो देख भी नहीं पाओगे। सो हाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए मुझे बता देना। अगर डे स्किन केयर पे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, मैं डे स्किन केयर पे बना दूंगी। सो बाय गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।